हाय एवरीवन, आइए शिक्षा का सारांश लिखते हैं। ठीक है, शिक्षा जी कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य भी यही है, मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और प्रज्ञा निर्भर बनाना। तभी उसमें सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, सच्चा दायित्व बोध कराती है, हमें गहरा बनाती है। वह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उबारती है। शिक्षा का ध्येय पेशेवर दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल की कौशल ही नहीं है, उसका ध्येय हमारा संपूर्ण उन्नयन है। कृष्णमूर्ति अपने शिक्षा विषयक प्रयोगदमी चिंतन में आज भी सभी प्रचलित प्रणालियों का भीतर बाहर से पर्यालोचन करते हैं। कृष्णमूर्ति प्रायः लिखते नहीं थे, वे बोलते थे, संभाषण करते थे, प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते थे। यह शैली भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अत्यंत प्राचीन है। शिक्षा नामक संभाषण के जरिए उनके विचार एवं शिक्षा से लाभ की प्रेरणा मिलती है। जय कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा मनुष्य का उन्नयन करती है, वह जीवन के सत्य, जीवन के जीने के तरीके मदद करती है। इस संदर्भ में देते हुए वे बताते हैं कि शिक्षक हो या विद्यार्थी, उन्हें यह पूछना आवश्यक नहीं है कि वे क्यों शिक्षित हो रहे हैं, क्योंकि जीवन का विलक्षण है। ये पक्षी के फूल के वैभवशाली वृक्ष में आसमान के सितारे और सरिताएं, ये मत्तर से सब हमारा जीवन है। ठीक है, ओके, इसके आगे भी थोड़ा आप देख लेना। ठीक है, ये देखिए, यहाँ तक देख लिया आपने। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अच्छा अच्छा खासा इसमें लॉन्ग थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेना। ठीक, यहाँ से तक लिख लीजिए, यहाँ तक आपको लिख लेना है। वीडियो को पॉज कर लो आप। ठीक है, इस तरह आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, सो थैंक यू।